बहुत अच्छी फैमिली से, अच्छा लड़का है, और आप भी तो जानते हैं उसे। इनफैक्ट वो ही लड़का है जिससे अनुषा की शादी होने वाली थी, लेकिन सिर्फ अनुषा की बदतमीजी की वजह से बारात वापस चली गई। ये तुमने कैसे सोच ली? आप भी तो पहले यही सोचते थे। युसरा वो तुमसे शादी करना चाहता है। हाँ तो इसमें क्या बुराई है? वैसे भी आपकी बेगम किसी ना किसी से मेरी शादी करवाई देंगी। तो फिर हारिस की और हारिस में कोई बुराई नहीं है। एक बार बारात ही वापस लेके गया है ना, तो जब भाई अनुषा से शादी कर सकते हैं तो मैं भी हारिस से शादी कर सकती हूँ। युसरा तुम एक बार फिर जल्दबाजी का मुजाहरा कर रही हो बेटा। बाबा ठीक कह रहे हैं, तुमने हमेशा जल्दबाजी की है जिसकी वजह से तुम्हारे मामलात खराब हुए हैं। और हारिस को तुम कितना ही कोई जानती हो? अच्छी तरह जानती हूं मैं उसे। लेकिन आप शायद उसे नहीं जानते, जानेंगे भी कैसे? अनुषा तो उसके खिलाफ आपके कान ही भरती रहती है ना, और आप तो आंखें बंद करके उसी पे यकीन करते हैं जो अनुषा आपसे कह देती है ना? जो मैं बात करता बाबा, आप ये बात माने या ना माने, लेकिन अनुषा भाई के कान भरती रहती है। वो हारिस को कभी भी इस फैमिली का हिस्सा नहीं बनने देगी। लेकिन मेरे कुछ भी कहने से क्या फर्क पड़ता है? मेरी खुशी की तो किसी को परवाह ही नहीं है, क्योंकि इस घर में वही होता है जो अनुषा चाहती है। जब से वो आई है यही तो होता आ रहा है। एक बार फिर मुझे इम्तिहान में डाल चुकी। बिल्कुल पागल हो गई है लड़की। जानती है कि हारिस से हमारा माजी में क्या रिश्ता था? मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा हूं। और ये क्या गारंटी है कि वो कल को उसको खुश रखेगा? वो सिर्फ और सिर्फ इस घर में इसलिए आना चाहता है ताकि वो अनुषा को तंग कर सके। युसरा राजी है इस रिश्ते के लिए?
सिर्फ वही राजी, उसके अलावा तो कोई नहीं। हारिस की अम्मी ने अंकल को कॉल की, इसका मतलब वो भी राजी। हम जितना भी जोर लगा लें, दो एडल्ट अपना फैसला खुद ही लेंगे। और हम इतनी आसानी से उन्हें ये डिसीजंस करने देंगे? हमदान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बच्चों का खेल थोड़ी। हारिस को मैं इस घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। पता है, वो तुम्हारे और हमदान के बीच में गलत फहमियां पैदा करेगा। भैया, हमदान और मेरा रिश्ता इतना नाजुक नहीं है कि कोई भी हमारे बीच दूरियां पैदा कर सके। आंटी अनुषा बिल्कुल ठीक कह रही। लेकिन हारिस की यह गलतफहमी जरूर है कि वो युसरा से शादी करेगा। और अगर अंकल मान गए तो? उसने इतनी जल्दी दूसरी शादी का फैसला कर लिया और वो भी हारिस से। शादी तो मैं इसकी फौरन से करवाना चाह रहा था ताकि वो कोई गलत फैसला ना ले ले। जी, और आप सोचते रह गए और उसने ये फैसला ले भी लिया। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि वो हारिस से कब मिली, ये ताल्लुक कब बना? मसला ये नहीं है कि वो कब मिली, मसला ये है कि अब करना क्या है। हैरत इस बात की है कि हारिस ने युसरा से शादी का फैसला क्यों किया। जब वो अच्छी तरह से जानता है कि हमारी फैमिली पूरी तरह से इजाज की फैमिली से जुड़ चुकी है।
रही बात यसरा की, वो तो है ही बेवकूफ। देखें, हारिस मेरे लिए तो कम से कम अब बिल्कुल अजनबी है। तो आप लोग प्लीज उसे उस नजरिए से जज मत करिएगा। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि यसरा को समझाएं वो जल्दबाजी में कोई फैसला ना करे। बस समझ में नहीं आ रही कि क्या बाकी वो ये रिश्ता करना चाह रहा है या फिर बात कोई और। मुझे हारिस के रिश्ते पर एतराज है बस। यसरा बजिद है कि शादी करेगी तो उसी से करेगी। हारिस अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकता है अंकल। और उसकी मम्मी भी इस फैसले से खुश हैं। आई थिंक वो यहाँ रिश्ता भी लाना चाहती हैं तो सीरियस ही होंगे। जितना मैं उसे जानती हूं, फिर भी फारूक आप प्लीज सोच समझ के फैसला कीजिएगा। क्या फैसला करूं? क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या पट्टियां पढ़ाई जा रही है मेरे बाबा को मेरे खिलाफ? यसरा कैसे बात करिए तुम? जिस तरह से बात करना चाहिए उस तरह से बाबा। अब तक मैं चुप थी लेकिन अब मजीद चुप मैं नहीं रहूंगी। आप देख नहीं रहे? आपकी बहू और बेगम बैठकर मेरी खुशियां खाना चाहती हैं, छीनना चाहती हैं मुझसे। यसरा अपने हद में रहो। वाओ, परफेक्टली कामयाब हो गए आप लोग। मेरे भाई और बाप को मेरे खिलाफ करने में कंग्रेचुलेशंस। और देखें कैसे मासूम बन के बैठी हुई है यसरा। बस बाबा, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ हारिस से, और ये मेरा आखिरी फैसला है। जैसा नजर आ रहा है मुझे कि आप लोग इसके खिलाफ, अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं कोर्ट मैरिज करूं।
और फिर आपसे और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए ताल्लुक खत्म कर दूंगी। हमेशा हमेशा के लिए बाबा। हम ना युसरा, तुमने बहुत अच्छा किया। यही तरीका है इन दोनों औरतों से बात करने का। अरे खुद को बहुत होशियार समझती है ना, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ। अब हम दोनों ने मिलकर मुकाबला करना है। मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। युसरा एक बार फिर अपनी गलती दोहराने जा रही है। अंकल, आप इस रिश्ते के लिए हाँ करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये नहीं हो सकता। तुम क्या कह रही हो अनुषा? फारूक ऐसा नहीं हो सकता। अम्मू, मैं इस घर की और आप लोगों की इज्जत के लिए कह रही हूं, प्लीज। लेकिन कैसे कर दूं मैं? हां, जो शख्स अपने फैसले ले ही नहीं सकता। तुम्हारे मामले में उसने बुजदिली का मुजाहरा किया, दूसरा निकाह उसने खुद से खत्म कर दिया। क्या गारंटी है कि वो युसरा को खुश रखे? अंकल देखें, युसरा ये सारी बातें अच्छी तरह जानती है और फिर भी वो ये रिश्ता करना चाहती है। आप माने या ना माने, हम उसके इस फैसले को बदल नहीं सकते। कुछ नहीं कर सकते, इसलिए बेहतरी इसी में है कि हम उसे खामोशी से हारे से साथ रुखसत करते हैं। वो खुश रहेगी। अनुषा जो भी हो जाए, वो इस घर का दामाद नहीं बनेगा। चाहे बाबा इस रिश्ते के लिए राजी हो जाए, मैं ये रिश्ता नहीं होने दूंगा। हारिस इस घर का दामाद नहीं बन सकता। हमदान देखें, प्लीज काम दो। इस वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस घर का सुकून और युसरा की खुशी। और हारिस मेरे लिए अब सिर्फ एक थर्ड पर्सन है, कोई अहमियत नहीं है उसकी। देखिए, युसरा की शादी जिससे भी होगी, वो हमारे लिए तो थर्ड पर्सन ही होगा ना। चाहे वो हारिस हो या कोई और हो। जो भी अनुषा, मेरे दिल में एक खलेश है कि कहीं तुम्हारे साथ कोई ज्यादती ना हो जाए।
चाहता हूँ इस जिंदगी में सिर्फ तुम्हें खुशियां मिले और कुछ भी नहीं। जब से आपका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा है मेरी जिंदगी में खुशियों का एक नया दौर शुरू हो गया। हम माजी की सारी तरफियातें मैं दफन कर चुकी हूं। हारिस उनमें से एक है। पहले जब मैं हारिस को देखती थी तो मुझे शदीद नफरत का एहसास हुआ करता था। मगर अब आपके साथ तो मोहब्बत की एक नई दुनिया मेरे साथ है। और अब हारिस को देख के मुझे वो नफरत का एहसास भी नहीं होगा। हमदान प्लीज अंकल को समझाए, इससे पहले कि उसरा कोई गलत कदम उठा ले हमें उसे रुखसत कर देना चाहिए। बहुत अच्छी, तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है। ये सब आपकी मोहब्बत का कमाल है हमदान। हमदान मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि किसी को अपना बनाना क्या होता है। और ये सब आपकी वजह से, आपने अपनी मोहब्बत से मेरा दिल जीता। किसी से कभी कम मत करिएगा, मर जाऊंगी। कभी भी मेरी जीने की वजह तुम। रायना, एक्चुअली मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। जरूर कोई नई बिजनेस डील की होगी। भाई बिजनेस डील मैं तुमसे क्यों शेयर करूंगा? तो फिर क्या बात, इतना सस्पेंस क्यों फैला रहे हो, बता दो। मैंने यूसरा का रिश्ता तय कर दिया। गॉड, ये तो अच्छी बात है, एक ना एक दिन तो ये होना था। लड़का कौन है? हारिस। कौन हारिस? मिसेस निगत का बेटा हारिस। व्हाट?
अनुषा का एक्स लवर? फारूक तुम होश में तो हो? हाँ बिल्कुल, बहुत सोच समझ कर मैंने ये फैसला किया है। और अपनी जुबान संभाल कर बात किया करो अनुषा, अब इस घर की बहू है, समझी? भाई वाह, शाबाश है तुम लोगों की सबकी सोच पर। तुम लोग यूसरा की शादी एक ऐसे लड़के से कर रहे हो जिसका ऑलरेडी ताल्लुक अनुषा से माजी में रह चुका है। उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाह रहे हो? ये बात तुम करे। युसरा की जिंदगी तो उस दिन बर्बाद हो गई थी जिस दिन तुमने उसकी शादी टीम से करवाई थी। बहुत गारंटियां दे रही थी ना तुम तो उसकी, जबकि वो एक शादीशुदा आवारा धोखेबाज लड़का था। जितना मुझे मालूम था फारूक मैंने तुम्हें बता दिया। इन सब की जिम्मेदारी मेरी नहीं थी, अगर इस मामले में कोई कसूरवार है तो वो तुम। तुम्हें चाहिए था कि उस लड़के के बारे में मालूमात निकाल लो। अब दोबारा यूसरा के लिए मजीद गड़ा मत खोदो। रायना, ये शादी यूसरा की मर्जी से हो रही है तो तुम्हें तो कम से कम यूसरा को समझाना चाहिए ना, ना कि उसकी हाँ में हाँ मिलाना चाहिए। तुम लोग सारे भूल गए हो उस लड़के ने अनुषा के साथ कितना बुरा सलूक किया था। Excuse me. हारिस ने मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया।